स्वागत करते आज तुम्हारा। ओ स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। के आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, मेडिटेशन गुरु मुनि श्री विसंत सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की बधुओं। देखिए सबसे पहले तो हाथ उठाकर ये बताइएगा कि ज्योतिष को मानता कौन कौन है। अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो इस कार्यक्रम को करने का मकसद है, अगर आप ज्योतिष को नहीं मानते तो इस कार्यक्रम को करने का कोई मकसद नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं धर्म नगरी बड़ोस से बिलोंग करता हूं और दिल्ली से प्रतिष्ठित एक अखबार का पत्रकार था, पंजाब केसरी का मैं जिला प्रभारी था और बड़ोस में मेरे दो प्ले स्कूल चलते हैं, आज भी चलते हैं और मुझे गर्व है। मेरे गुरु और मेरे ससुर श्री श्रीपाल जैन जी, जिनको आपने अक्सर पारस चैनल पर भक्तांबर जी का प्रचार प्रसार करते हुए देखा होगा, वो मेरे गुरु भी हैं और मेरे ससुर भी हैं। देखिए मैं बताता हूँ ज्योतिष होती क्या है, कैसे आप ज्योतिष पर विश्वास कर सकते हैं, कैसे मुहूर्त को आप मान सकते हैं। एक बार मैं उनके पास बैठा हुआ था, बात है सन 2009 की, उन्होंने मुझे कहा रवि बेटा एक बार हाथ दिखाइएगा। मैंने उन्हें अपना हाथ दिखाया, उन्होंने 10 मिनट तक विश्लेषण किया और केवल 3 सेंटेंस बोले। पहला उन्होंने बोला कि रवि बाबू तुम ज्योतिष सीख लो, दूसरा उन्होंने बोला कि तुम ज्योतिष सीखोगे और तीसरा उन्होंने बोला कि तुम ज्योतिष सीखोगे और मेरे से ऊपर जाओगे। मैंने कहा बाबूजी आप कैसी मजाक की बात कर रहे हैं, मुझे तो ज्योतिष की राशियां भी नहीं पता कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती है वो तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूं, पंजाब केसरी का जिला प्रभारी हूं और अपना काम कर रहा हूं, स्कूल चला रहा हूं। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, तुम्हारी हाथ की रेखा ये बोलती है। और बंधुओं आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक हफ्ते के बाद मैं पुनः बाबूजी के पास गया और कहा कि बाबूजी आप मुझे ज्योतिष सिखाइएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं ज्योतिष का अध्ययन कर लूँगा तो ऑफिस दिल्ली में खोलूँगा। उन्होंने कहा बिल्कुल आप दिल्ली में ही ऑफिस खोलेंगे। मैं उनके पास बड़ों से रोजाना आवागमन किया और एक लंबे समय तक उनके चरणों में बैठकर ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की। और बंधुओं एक टाइम के बाद उन्होंने कहा कि आप ज्योतिष के विद्वान हो चुके हैं, लेकिन परिपक्वता लाने के लिए आपको जहां से मैंने डिग्री ली थी वहां से आपको डिग्री लेनी है। और बंधुओं दिल्ली के कनॉट प्लेस में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा आरंभ किया गया भारतीय विद्या भवन, जिसको आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, उसमें जाकर उन्होंने मेरा एडमिशन कराया और बड़ोस से ही अप डाउन करते हुए मैंने उससे डिग्री प्राप्त की। और जब मैंने डिग्री प्राप्त कर ली तो बंधुओं मैंने अपना ऑफिस दिल्ली में खोला, लेकिन 2010 में मेरा ऑफिस खुला गुरुवर, लेकिन ऑफिस खोलने के बाद भी मुझ में उतनी परिपक्वता नहीं आई। जब 2017 में 26 फरवरी 2017 को दिल्ली में मुनि श्री विसंत सागर जी महाराज और मुनि श्री विजय सागर जी महाराज का 5वां दीक्षा दिवस, लगभग 5000 लोगों की भीड़ के बीच राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर सागर जी के सानिध्य में बनाया, उस समय मुझे राष्ट्र संत मुनि श्री विहर सागर जी महाराज
और मेडिटेशन गुरु विसंत सागर जी महाराज ने विहर्ष ज्योतिष रतन की जब उपाधि से अलंकृत किया, उतना प्रभाव मेरे अंदर आया। और बंधुओं, वहां से जो आशीर्वाद मुझे मिला लगातार मिलता रहा। और 3 साल पूर्व मैंने हमारे विद्वान डॉक्टर टीकमचंद जी से सलाह के उपरांत अखिल भारतीय जैन ज्योतिष आचार्य परिषद की स्थापना की सोची, और मात्र 3 साल के अल्प अवधि में हमने, मैं आपको बता दूं, गन्नी आर्य का ज्ञानमती माता जी, आचार्य सौभाग्य सागर जी, राष्ट्रसंत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी, सोनागुरी में पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी, महावीर जी में सृष्टि भूषण माता जी, बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ में दृष्टि भूषण माता जी, और जयपुर में लगभग 60 पीछियों के सानिध्य में आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में हमने अधिवेशन किया और जैन ज्योतिष को आगे बढ़ाने का काम किया। और बंधुओं, इसी कड़ी में अभी नवंबर में जब मेडिटेशन गुरु विसंत सागर जी महाराज का पावन मंगल में चातुर्मास भोपाल में चल रहा था, उस समय मुझे एक अपार जनसमूह को संबोधित करने का अवसर मिला, जहां पर मैंने लोगों की समस्याओं को सुना और उससे संबंधित जब उपाय बताए, तो वहां की समाज ने मुझे ज्योतिष विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। बंधुओं, आज हम गणाचार्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के चरणों में इसीलिए आए हैं कि हमारी परिषद ने जो ये अभियान शुरू किया है कि ये जो अनादि काल से भारतीय संस्कृति की एक अनुपम धरोहर है जैन ज्योतिष, इसको हम विश्व पटल पर अंकित करा सके। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, देखिए ज्योतिषी उपाय आज से नहीं है, ज्योतिषी उपाय अनादि काल से हैं। हमें आवश्यकता गुरु मुनिराज केवल विश्वास करने की है। देखिए, जब महासती मैना सुंदरी पर संकट आया तो उन्हें भी एक मुनिराज ने बताया कि तुम श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की स्थापना करो और उसका गंधोदक अपने कोड़ीपति श्री पाल पर छिड़को, तुम्हारी समस्या दूर होगी। बस उसने भक्ति भाव के साथ उपाय को अपनाया, प्रभु की भक्ति करी और अपने संकट को टाल दिया। अगर हम बात करें आचार्य मानतुंग जी की, तो वो भी एक ज्योतिषी समाधान था। जब राजा के द्वारा आचार्य मानतुंग जी को 48 तालों में बंद कर दिया गया, तो उन्होंने भी ज्योतिषी उपाय अपनाया और प्रभु की भक्ति की और अपने संकट टाल दिए। ऐसे एक नहीं बंधुओं, हजारों उदाहरण हमारे आगम में हैं। बस आवश्यकता केवल विश्वास करने की है। अगर हम सच्ची भक्ति करते हुए देव शास्त्र गुरु पर आस्था रखते हुए, नमोकार महामंत्र पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने कर्मों की जल्द निर्जरा कर लेंगे। तो बंधुओं, मेरा तो गुरुदेव के पावन चरणों में यही कहना है कि हमें केवल और केवल देव शास्त्र गुरु पर आस्था रखते हुए, अपने आगम पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मुनि देव के चरणों में सादर नमस्तु।